नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर यानी कि आज से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली से चलेंगी, ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों की जबरदस्त मांग को पूरा किया जा सके। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के साथ ही लॉकडाउन के बाद अब तक शुरू की जा चुकी ट्रेनों के लिए आरपीएफ ने सख्त नियम जारी किए हैं। इन नियमों को तोड़ने वाले दोषियों को 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 के कारण 22 मार्च से सभी पैसेंजर ट्रेनों पर रोक लगा रखी है। हालांकि मांग के मुख्य रूप से 300 से ज्यादा स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए 196 जोड़ी यानी कि 392 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर यानी कि आज से 30 नवम्बर के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि त्योहारी सीजन पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा IRCTC वेबसाइट और PRS टिकट काउंटर्स पर उपलब्ध होगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होगा, यानी कि इन ट्रेनों में सफर करने के लिए मुसाफिरों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। आपको बता दें कि रेलवे आम दिनों में हर दिन करीब 12,000 ट्रेनें चलाता रहा है, लेकिन कोरोना संकट के बीच मांग के मुताबिक धीरे धीरे ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। वहीं रेलवे ने सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं, साथ ही हिदायत दी है कि इन नियमों को तोड़ने पर जेल जाना पड़ सकता है। रेलवे ने साफ किया कि मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और कोरोना पाए जाने के बाद भी सफर करने वालों को रेल अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नियम तोड़ने पर यात्री को जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि RPF के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण की पुष्टि होने या फिर टेस्ट रिपोर्ट लंबित रहने के दौरान स्टेशन पर आने या फिर ट्रेन में सवार होने या फिर स्टेशन पर हेल्थ टीम की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी ट्रेन में सवार होने पर यात्री को जेल जाना पड़ सकता है। सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।